सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल राहुल तोमर नस्ल सुधार उत्तर प्रदेश में। जय गो माता, जय भारत, मेरा भारत महान। भाइयों, आज हम पहुँचे हैं मेरठ कैंट में भाइयों, और एक फिर जो मतलब छोटा सा जो नस्ल सुधार का प्रयास किया है तो ये गो माता पर किया है। आज इसको जो शामू बुल से AI की है, और ये जो इधर है तो ये भी दिखो उठा कर। ये देखो भाइयों, एक बार हम अपने हिसाब से देखेंगे ये कौन सी ब्रीड है। हाँ, ये राठी है भाइयों, ये राठी। और तो हाँ जी, आ जाइए आप भी। हाँ जी, आपका नाम क्या है साहब? पद्मभूषण। तो ये पद्मभूषण जी, तो ये मेरठ से है जी, कैंट से। तो साहब का जो फ़ोन आया था तो मैंने तो वैसे मना किया था, मगर जी मेरा टाइम नहीं है, पर लेकिन जब ये गौ माता के भक्त निकले फिर मैंने भी बाइक इधर से घुमा दी। तो जी तो अपने बारे में कुछ बताओ, आपको जो शौक लगा है जो गौ माता का, तो वो कैसे कुकर क्या लगा? या देवी सर्वभूतेषु धेनु रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो जी। मैं पद्मभूषण जी, मेरठ से। हाँ। मेरठ कैंट से। हाँ। मैं ब्रह्म ऋषि श्री देवराह बाबा सरकार, जो वृंदावन में जिनका मचान है। हाँ। उनका शिष्य हूँ, और जब से मैं वहाँ पर उनकी शरणागत हुआ हूँ, जब से उनकी शरण में गया हूँ, जब से ही गोप्रेम और गोभक्ति बाबा की कृपा से मुझे मिली है जी। और मुझे और मेरे बच्चों को, दोनों को गो भक्ति मिली है। मेरे दो बेटे हैं, दोनों गो भक्त हैं और गो के प्रति अगाध प्रेम रखते हैं और सेवा करते हैं। अच्छा। तो बाबा की ही प्रेरणा से, बाबा की कृपा से। प्रयास तो कई सालों से था कि गाय माता की सेवा मिले, लेकिन अभी 6 महीने पहले हमने एक हरियाणा ली, वो अभी दिखाई है जो राहुल जी ने, फिर बाद में ये राठी नस्ल मैंने मंगाई है, और आगे प्रयास है हमारा कि हम नस्ल सुधार पे भी, इसलिए हमने राहुल जी को बुलाया आज। अपना हमारा विश्वास किया कि भाई बिल्कुल बिल्कुल, पर जो सीमा ने ओरिजिनल मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि मैं राहुल जी का वीडियो पहले देखता रहता था मैं आपका, और इसलिए मेरे को आप पे विश्वास था कि जो भी मुझे सीमन जो वो कहेंगे, अगर शामू कहेंगे शामू, शक्ति कहेंगे शक्ति, वही मिलेगा मुझे। अच्छा, ठीक है जी, आपका मैंने इसलिए बार बार धन्यवाद जी। जी मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी कि जी आप जो है AI कर जाइए मेरे को। पहले तो मैंने इनसे सीमन मंगाया, क्योंकि हमारे एक डॉक्टर और हैं राहुल जी, उनका नाम भी राहुल है, तो उनके पास आज समय का थोड़ा अभाव था, तो फिर मैंने राहुल तोमर जी को ही बुलवा लिया और आज मैंने AI करवाई। अच्छा जी, धन्यवाद बहुत। और तो ये बताओ, तो ये गाय आपने खरीदी, कितने की खरीदी, और ये कहाँ से खरीदी, और ये कितना दूध दे रही है? जी ये गाय मैंने राजस्थान से मंगाई है। अच्छा, तो ये गाय देखो भाइयों, ये राजस्थान से मंगाई है। ये राठी जो ये ब्रीड है हमारी, ये साहिवाल और हरियाणा और ये थारपारकर, तो ये तीन ब्रीड का जो एक साथ जोड़ के, तो ये कॉम्बिनेशन से राठी बनती है। अब देखो ये साहिवाल की तरह भी जो ये मिक्स होती है, तो ये कितना किलो दूध दिया जी? अभी तो ये कम दे रही है जी। नहीं, ये पीक पे कितना दिया जब भाई? 8 किलो। अच्छा, 8 किलो दूध दिया, तो ये 30,000 खरीदी आपने। अच्छा जी, तो ये दिखाओ एक बार ये वाली। तो भाइयों ये भी देखो आप, गो माता दूसरी, तो ये कितने की खरीदी और ये कितना किलो दूध दिया इसने? इसने शुरू में दूध दिया जी 6 किलो। अच्छा, ये मतलब 6 बीमार हो गई थी। अच्छा, तो बीमार हो गई थी, बीमार बहुत हो गई थी, तो ये कितने? अभी फिर अभी ये 3 किलो दे रही है बस। चलो वो तो बीमार हो गए, तो देखो वो तो ठीक ठाक। तो ये कितने खरीदी आपने? ये मैंने 15,000 की खरीदी। अच्छा, तो भाइयों देखो यहाँ कोई झूठ तूफान नहीं होती, तो गो माता के जो भक्त है हमेशा सदैव बोलते हैं, तो ये 15,000 खरीदी। तो चलो जी अब, और ये भाइयों अपनी जो बाइक है, ये जो राधा कृष्णा जी की ये शुरू में फ़ोटो हैं, और अपनी जो गौ माता का भजन मैं करता चलता हूँ, और तो एक ये मानुभाव है जो डॉक्टर साहब है जो मतलब यहीं से, और ये नाम, हाँ आपका नाम क्या साहब? राहुल यादव सर। तो ये राहुल यादव जी है, हमने इनको भी आज जागरूक कर लिया है भाई। पहले तो आप ये वादा करो, HF जर्सी लगाओगे तो या नहीं लगाओगे? नहीं, हमें तो मेनली है कि अगर देसी पे काम हो भारतवर्ष में, तो गौ का सुधार होगा, अच्छा जी गौ माता का नस्ल सुधार होगा, और क्रॉस ब्रीड को हटाकर हम देसी पे नस्ल पे काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो आप ये जो टिक्का लगा रहे हो, तो ये जो हिंदू की पहचान है, जो मेरे हिसाब से अब तक तो HF जर्सी लगाते थे, यहाँ पे टोटली क्या है? नहीं, अब क्या लगाते हैं पहले बताओ? अब तो HF जर्सी लगता सर यहाँ पर। HF जर्सी वालों को बंद कर दो बिल्कुल, और जैसे आपकी कमाई मतलब 10 रुपए की है, अगर आप अपने कैंटेनर में अगर साहिवाल और हरियाणा और थारपारकर और गिर, अगर ये 4 ब्रीड मैं आपको बताऊंगा जो भी बेस्ट बुल है भारत के, भी रख लो, फिर आपकी जो 30 रुपये बने तो बताइयो, तो मत देना, और जो कि करोड़ों रुपए की दुआ में जो आपको मिलेगी, जो कि पूरे भारत की जो प्यार मिलेगा, तो वो HF जर्सी नहीं आपको दिला सकती।
है ना जी? बिल्कुल सर। तो आप वादा करो कि फिर एचएफ जर्सी तो नहीं रखूंगा, देसी और साइबर लगेगा जी अब। चलो ठीक है भाइयों, और मैं अभी इनको देसी के जो मैंने प्रति प्रेरित भी कर दिया, और इनको मैं ब्रीड हरियाणा के जो शामू के भी सीमन दे के जाऊंगा, तो कोई भी महानुभाव इधर आसपास का होगा मेरठ की जो साइड का, 20-30 किलोमीटर तक का लगा दूंगे। बिल्कुल लगा देंगे। अच्छा अपना जो एक बार मोबाइल नंबर बताओ। 7618194350। अच्छा तो ये जो भाई साहब, ये जो डॉक्टर साहब का है, जो मोहिद्दीन साहब का नंबर है, तो जो चीज देखो मतलब रेड चीफ है तो समझो लेदर ही है, अगर राहुल है तो फिर राहुल ही है ना, तो ये होना चाहिए। जो पैसा मिलेगा तो आप ये क्या कहते हैं कि 100-100 रुपए के डॉक्टर्स में लगाते हैं? बिल्कुल यहाँ जी 100-100 रुपए में कंपटीशन भैया इस हद तक। जब आप सब भीड़ से अलग खड़े होंगे तो आपको दूर से ही आदमी पहचान लगा। जब आपके पास में ब्रांड चीज होगी थोड़ी सी, वो मतलब जो मुझे परेशानी आई दो चार साल, मैं किसी ने भी नहीं पूछा, पर जब मैं ब्रांड चीज देने लगा और बच्चे आने लगे, तो अब देखो जो आदमी जो कहाँ कहाँ से फोन आते हैं मेरे पास, मैं कम से कम 5-7 फोन तो रोज जो मना कर देता हूँ मैं नहीं आऊंगा, है ना जी। तो आप पहले अपनी एक जो ब्रांड बनाओ, पैसा सीमन का नहीं है, पैसा डॉक्टर के जो मतलब विश्वास और उसकी मेहनत और लगन का है। हाँ है ना। और जो चीज एक तो देना जो बिल्कुल ओरिजिनल देना। देखो जो पैसा मतलब किसान का जो नुकसान है वो नकली सीमन से है, और भाइयों मेरठ में सबसे ज्यादा नकली सीमन है हमारी जो पूरी यूपी में, मतलब यूपी जो पूरी यूपी में नकली सीमन ज्यादा बिकते हैं जो मेरठ में, और फिर जो तुम्हारे पंजाब में सबसे ज्यादा सीमन जो नकली है, मतलब चप्पे चप्पे पर नकली है, बस कि डॉक्टर को एक तो विश्वास पात्र से ही सीमन ले, और जो पशुपालक भी एक विश्वास पात्र डॉक्टर को ही बुलाए, है ना जी। और ये बोलता है सीमन ये जो फोटो खींच दिया वो भेज दिया, ये सब बकवास है। तो कोई डॉक्टर सीमन को जो असली नकली जो नहीं पहचान सकता, जो क्योंकि उनकी प्रिंटिंग जो मशीन है तो उस पर जो आप जो कुछ ही छाप कर दे दो। तो चलो जी साहब, तो अब आपको जो चार ब्रीड पर काम करना है, थारपारकर, साहिवाल और हरियाणा और गिर, तो जो भी आपको सीमन उपलब्ध की जरूरत है तो मैं दूंगा, तो आप मुझे बताए ना। तो हाँ तो जी आप एक बार साहब वो जो चोटी के विषय में और बताओ। तो एक मेरे जो दोस्त है आदेश है जो गोभक्त, वो चोटी रख रहे हैं, उसे पता नहीं पर वो रखता है जो बहुत लंबी। अच्छा, अच्छा। तो एक बार वो बताओ जो आप बता रहे जो चोटी के विषय में। हाँ जी हम लोग हिंदुओं में ये शिखा रखी जाती है। अच्छा तो ये दिखाओ इसको। तो भाई ये जो शिखा है और जो हिंदू की पहचान भी है, चोटी इसको बोलते हैं, वैसे इसको शिखा धारण करना बोलते हैं। हाँ और हमारे जो शरीर में जो 6 चक्र हैं, हाँ उसमें से एक चक्र सहस्त्रार चक्र होता है हमारे। हाँ तो सहस्त्रार चक्र पे ही चोटी रखी जाती है, शिखा रखी जाती है, जो हिंदुओं की पहचान भी मानी जाती है। हाँ। और ये हमारे सहस्त्रार चक्र को एक्टिवेट करने में बहुत मदद करती है चोटी। जैसे टीवी का पहले आपने देखा होगा एंटीना होगा, हाँ, तो कैच करता था वो रेंज। हाँ, हाँ, तो ये चोटी रखने से ये जो हमारी जो ब्रह्मांडीय शक्ति है तो ये उनको कैच कर दिए, ये कैच करने में सहायक। तो जैसे कि जो ये पेड़ की जो चोटी काट दी तो वो फिर पेड़ क्या रहा। हाँ जी हाँ ठीक है। तो ये शिखा होगी। हाँ तो ये शिखा होगी। दूसरा क्या बोलते आप? शिखा मतलब शिखर, शिखर मतलब ऊंचाई। हाँ और क्या बोलो क्या बोलो? तो वो बोले तो यहाँ 2-3-4-5 छह हमारे जो चक्र हैं, ये सहस्त्रार है, ये आज्ञा चक्र है, ये विशुद्ध चक्र है, ये आज्ञा, ये तुम्हारा हृदय चक्र है, और ये आपका मणिपुर चक्र है, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान और मूलाधार, ये 6 चक्र होते हैं। हाँ। शिखा जो है सहस्त्रार चक्र पे इसलिए रखी जाती है ताकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को हम साधना के द्वारा सरलता से कनेक्ट हो सके। जी जी अच्छा जी। तो और तो कोई बात तो ऐसी गौ माता की बात तो आप बता दें कि मैं गौ माता के पास आता हूँ। हाँ जी तो मैं बिल्कुल ये समझो जूते उतार के आता हूँ। जब मैं जाता हूँ तो चप्पल बाहर उतार के जाता हूँ, डॉक्टर साहब ने भी देखा होगा। अच्छा अच्छा देखा होगा। मैं चप्पल पहन के जाता। अच्छा और भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति का जो सबसे सरल साधन है इस युग में, कल युग में, वो है गौ सेवा। अगर आपको भी ईश्वर की प्राप्ति करनी है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है, तो आप गौ सेवा से लग जाइए। हाँ। सबसे सरल साधन में गौ सेवा ही मानता हूँ। हाँ। तो वो सुना होगा ना जो समझो कि करती है गैया मैया। हाँ। नाम हो रहा है, नाम मेरा हो रहा है, है कि नहीं। तो तो भाइयों तो यहाँ आज फिर तो ये तो साहब जो जागरूक है और ये जो ये डॉक्टर साहब भी जागरूक यहाँ पे कर लिए आज। तो भाई मेरे, हम पूरे हिंदुस्तान आज आपसे मिलाने का जो मेरा जो मेन मकसद था राहुल जी को यही था। अच्छा हाँ, अरे बाबा बहुत बढ़िया, ये भी थोड़ा सा जागरूक हो। और जब ये जो गौ माता की जय बोल कर अपने काम करेंगे हमारे साहब, जो इधर के बहुत मेरे जानने वाले फोन आते हैं वे सब आपको दूंगा। मेरा मेन मकसद होगा राहुल भाई ने मेरे को जागरूक करा, मैं और लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं मेरे संगे, मैं उन्हें भी जागरूक करूंगा और नस्ल सुधार पे ज्यादा करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और हाँ जी तो ये पदम जी, तो आपने हमारी वीडियो तो देखी होगी, जो हमारे आदेश गो भक्त है, साक्षात श्री कृष्ण भगवान जी का रूप है वो बच्चा। तो दूध निकालते निकालता भी
वो मतलब दूसरे की तारीफ करता है और कभी किसी के काम को मन तो नहीं करता, और बहुत मेहनती बच्चा है। तो आप उसे जो एक तरह का वृंदावन है वो जंगल, तो वो मिलने तो मिलने आऊंगे आप? मैं बिल्कुल आऊंगा। हाँ, और आदेश जो हमारा छोटा भाई है, हाँ, हम पूरा प्रयास करेंगे राहुल जी और मैं, हम वहाँ पर आएंगे जरूर, और जितनी भी हमसे गौ सेवा के लिए मदद तो हम कह नहीं सकते। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। क्योंकि गाय के लिए कोई मदद नहीं हो सकती, किसी का औकात नहीं है जो गाय की मदद करे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और क्योंकि गाय ही हमारी मदद करती है, बहुत बढ़िया, वो हमें जीना सिखाती है और जीने के लिए अपना पंचगव्य देती है, बहुत बढ़िया, ताकि हम जीवन सही से जी सके। और दूसरी चीज, जो गाय की सेवा में लगेगा बचपन से, उसके संस्कार भी बढ़िया होंगे। अरे वाह, बहुत अच्छे संस्कार होंगे। और आदेश के लिए, हमारा आदेश इस वीडियो के जरिए, राहुल तोमर जी के जरिए यही है कि उस भैया की, उस बच्चे की गौ सेवा में जाकर जितने से जितनी उसकी सहायता हो सके, हाँ, गौ पालन में, गौ सेवा में, हाँ, सब मिलजुल के करें। और हम भी आज सब गौ भक्त भी करें सब। हाँ बिल्कुल, और हम भी आज प्रण लेते हैं, हाँ, कि हम राहुल जी से समय लेके, हाँ, मैं वहां पर जाऊंगा, गौ गाय के दर्शन करूंगा, और जो वो गौ भक्त है आदेश, उसके भी दर्शन करूंगा, उससे मिल जाऊंगा, और जितनी भी मदद हमसे हो सकेगी, हाँ, उसके लिए, गाय के लिए नहीं, गाय की तो सेवा होती, हाँ, है, हाँ, लेकिन गौ सेवा में उसकी, हाँ, जो सहायता हो सकेगी, हाँ, तो हम मिलकर करेंगे। अरे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लो जी, एक बार तो बोल दो जय गौ माता की जय। जय, बहुत बढ़िया। तो भाइयों, इतना चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो तो सभी भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार, आपका जी बार बार आपका धन्यवाद। जय गौ माता, जय भारत, मेरा भारत।